पुलिस को चुनौती देने वाले दो साथी चोर हुए गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां सारो पुलिस चौकी के बगल में मोबाइल की दुकान में चोरों ने चोरी कर पुलिस को दी थी चुनौती दी थी। आज पुलिस ने उन्हें शहर कोतवाली के बाल निकेतन तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चोरों के पास से 5 महंगी मोबाइल बरामद की गई है। चोरों ने मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान की थी रेकिल। वही मोबाइल टेस्ट न होने पर सभी मोबाइलों को पानी में डाल दिया था, जिससे कि पुलिस को जानकारी इसकी न मिले। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें मुकदमा संख्या 27/24 धारा 457 511 भारतीय दंड संहिता से उन्हें चालान न्यायालय किया है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि करीब 3 दिन पहले हमारे जो चौकी है सारहू, उसके बगल में ही एक मोबाइल की जो दुकान थी जस्ट उसके पीछे चोरों द्वारा, कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि छत जो टिन की लगी हुई थी उसको तोड़ के अंदर घुस के और अंदर रखे हुए मोबाइल को चोरों द्वारा उठा के लेकर चले गए थे। देखिए, हम लोगों के लिए यह केस एक चुनौती की तरह से था, क्योंकि चौकी के जस्ट बगल में ही चोरी हो जाना, यह कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में यह भरोसा नहीं दिला पा रहे थे हम लोग कि जब चौकी के बगल में ही चोरी हो रही है तो किस प्रकार से सुरक्षा की भावना हम लोग दे सकते हैं। लिहाजा इस पर कठिन परिश्रम करते हुए हमारे थाने की टीम ने उन दोनों दो चोरों को जो है कि गिरफ्तार कर लिया है जो मोबाइल लेकर गए थे। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो वादी थे उन्होंने मोबाइल की संख्या जो चोरी हुई थी उसको ज़्यादा बढ़ाकर बताया था, लेकिन मौके से 5 मोबाइल ही गायब हुए थे, मतलब चोर लेकर गए थे। वो 5 मोबाइल जो है बरामद हो गए हैं। चोरों द्वारा ये कोशिश की गई थी कि उसको ट्रेस न हो पाए, क्योंकि उन्होंने उसको पानी में डाल दिया था और उसके सॉफ्टवेयर और इत्यादि को ख़राब करने की कोशिश की थी, फिर भी हमें उसको पकड़ने में सफलता मिली। दोनों चोर का नाम अमन पांडे जो कि सराय लखनसी क्षेत्र का रहने वाला है और सुनील उर्फ सुनील पुत्र विनोद जो कि भुजौटी का रहने वाला है, इन्होंने चोरी की थी और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों अंतरजनपदीय है, सिर्फ मऊ में करते हैं और बिजनौर? देखिए, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त की जा रही है कि यह अंतरजनपदीय है कि केवल मऊ में ही एक्टिव है। फिलहाल ये रहने वाले तो क्षेत्रीय हैं और लोकल स्तर पे ही इनके द्वारा हो सकता है कि चोरी की जा रही हो या फिर इनका कोई गैंग हो, जिसपे आगे हम लोग विवेचना के क्रम में और जानकारी करेंगे। लगभग तरीका क्या था? देखिए, ये इसकी कीमत तो अभी जानकारी हमें स्पष्ट नहीं हो पाई है। 5 मोबाइल जिसमें कि ओप्पो इन्फिनिक्स और रियलमी के फ़ोन हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई रेंज की मोबाइलें नहीं हैं, ये 5ों कम मीडियम रेंज की ही मोबाइल। चोरी का तरीका क्या है, क्या था इनका? देखिए, उन्होंने हाँ जी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने कुछ मौका पाकर ऊपर जो छत थी वो टिन की थी, एक दो दिन पहले रेकी किया हो और टिन हटाकर वो अंदर घुस गए थे। इसमें लगे हाथ, मैं व्यापारी बंधुओं से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि आप कोई व्यापार करते हैं या फिर सामान अपना रखते हैं तो कम से कम जो प्रिमाइस हो उसका वह मजबूत हो, इस तरीके से जो है कि टिन के छप्पर इत्यादि या फिर कपड़े इत्यादि से घेर कर और रात में छोड़ के न जाया करें, मजबूत ताले का प्रयोग करें, मजबूत दीवालों का और ग्रिल और लोहे की इत्यादि का प्रयोग करें, जिससे कि न सिर्फ चोर बल्कि जानवर या फिर किसी प्रकार के आधी अंदर तूफान या फिर आग इत्यादि से भी उसका बचाव हो सके। ठीक है,